मनीष सिसोदिया की सफाई पर बीजेपी का हमला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सिसोदिया ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। सिसोदिया के हाव भाव उड़ चुके हैं। शराब घोटाले के आरोपी नंबर वन मनीष सिसोदिया, लेकिन किंग पिन है अरविंद केजरीवाल जी। पूरे 15 घंटे की रेड में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का मोबाइल फोन और कंप्यूटर सीज किया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो रही है सबूतों की तलाश। कई शराब माफिया के घर से भी मिले अहम दस्तावेज। घायल आईटीबीपी जवानों से मिलने एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। जवानों से मिलकर उनका हाल जाना। पहलगाम बस हादसे में जख्मी हुए जवानों का हो रहा है दिल्ली एम्स में इलाज। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। रैली में कांग्रेस के खिलाफ गर्जे नड्डा। कहा, नवंबर में कांग्रेस को सबक सिखाना है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को मिला पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरा मैसेज। मुंबई में 26/11 जैसे हमले दोहराने की धमकी। पुलिस और एजेंसियां कर रही है मैसेज की जाँच। मुंबई को जो थ्रेट आई है उसको हमने गंभीरता से लिया है, उसकी तफ्तीश चल रही है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद तबाही। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रेल पुल गिरा। देहरादून में बादल फटने की घटना के बाद मंदिरों में घुसा पानी। मंडी में भारी बारिश के बाद सैलाब में बह गई कार। उत्तर प्रदेश में सूखे के बनते हालात के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई अहम बैठक। सीएम आवास पर आज शाम बैठक। सूबे के कृषि और जल शक्ति मंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। अफ्रीकी देश सोमालिया के होटल में आतंकी हमला। होटल के अंदर फायरिंग और बस में और बम में 10 लोगों की मौत। अलकायदा से जुड़े संगठन अल शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। बड़े युद्ध की आहट के बीच भारत का पहला न्यूज चैनल पहुंचा ताइवान। चीन और ताइवान की तनातनी पर न्यूज 18 इंडिया की बड़ी कवरेज लगातार। सीधे पहुंच गए हैं न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर वन चैनल ताइवान की राजधानी ताइपे में और वहां से आपको बता रहे हैं तमाम जानकारियां। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा।